नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं जनता शो। खबर एक बार फिर से घाटी से। घाटी में सब कुछ ठीक करने की जुगत पर बार बार नापाक इरादों वाले वहशी कायर लोग पानी फेर देते हैं, लेकिन हौसला इस सुंदर घाटी में रहने का कभी ख़त्म नहीं होता, जिसकी वानगी आपको इस वीडियो में दिखेगी। एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं पूरी खबर। उम्र काटी होती है और अब इस देश का फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनके लिए अपनी जान दी वो अब उनकी रिस्पेक्ट रखे, उनके हर बलिदान का वो मान रखे। जिसने भी मेरे बाप के साथ ये किया, तुझे लगता अजय बारनी को तूने मारा, उसका शेर जिंदा है यहाँ पे, जानता नहीं है तू मेरे को, अजय बारनी की बेटी हूँ मैं, अजय बारनी की बेटी हूँ मैं, कभी नहीं हारूंगी, ना मैंने कभी इससे डरना सीखा है। वीडियो में आप जिन्हें सुन रहे थे, ये अजय पंडित की बेटी जिनका नाम शीना पंडित है, जिनके पिता को आतंकवादियों ने अनंतनाग में कायराना तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्करे तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन पिता के मौत पर आंसुओं के पीछे का गुस्सा पाले शीन की बहादुरी पर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। शीन ने आगे कहा कि ना तो उनके पिता किसी से डरते हैं, ना ही वह किसी से डरती हैं। अजय पंडित की बेटी ने जोर देकर कहा कि हम कश्मीर वापस जरूर जाएंगे। घटना 8 जून को हुई थी और घटना से पहले अजय पंडित ने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी। शीन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मेरे पिता एक सरपंच थे और उन्हें अपनी जान का खतरा भी था, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने मेरे पिता को सुरक्षा नहीं दे सकी, और नतीजा अब अजय पंडित इस वक्त दुनिया में नहीं है। शीन ने यह भी कहा कि अगर आज पापा का बदला नहीं लिया गया तो क्या असर पड़ेगा देश पर। उन्होंने अपने नाम के आगे भारती लगा दिया, इतना प्यार करते थे वे अपने देश से। वह कोई सैनिक नहीं थे, लेकिन वह देश के लिए जीते थे। अजय पंडित का संबंध कांग्रेस पार्टी से था, जिसके बाद से ही घाटी में सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और देश की सियासत भी गर्मा गई है। अब इस मामले में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी, जो कि अपनी बेबाक राय रखते हुए, एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कंगना घटना की निंदा करते हुए बॉलीवुड के ऊपर भी कटाक्ष किया है। कंगना का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक नज़र आप भी देखिए क्या कहा कंगना ने। फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो हैं सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज़ की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पर पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर कर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहाँ का जो राजा था सुखदेव, उसके वहाँ उसने शरण ली हुई थी, उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहाँ पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहाँ खून की नदियाँ बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता शो, मेरा नाम है विवेक शर्मा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट jantashow.com का। धन्यवाद।